भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष के सवालों को जवाब देने में नाकाम हो गई है। इसलिए जो भी सत्र बुलाती है पहले ही समेट करके बुरा बस्ता भग जाती है। पिछला बार हुआ था, अब जौनपुरा का आया था, चार दिन का था, 19 को ही भग गया। सबसे आश्चर्य की बात कि जो क्वेश्चन आवर होता है उसको कोई भी बदल नहीं सकता, क्वेश्चन आवर में ही उन्होंने सारा अपना बजट पास करा लिया, जो असंवैधानिक है। भाजपा सरकार सदन का अपमान कर रही है, मुख्यमंत्री जी विषय से हमेशा अलग हट करके बोलते हैं, विषय पर कभी बोलते ही नहीं। कल जो था लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के आया था बिल, उसमें केवल परंपरा यही है कि केवल संसदीय कार्य मंत्री या मुख्यमंत्री उसको पढ़ के रख देते हैं, सर्वसम्मति से पास हो जाता है। परंपरा को संसदीय कार्य मंत्री ने तोड़ा, भाषण दिया। आपको याद हुआ कि मैंने कहा कि मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं केवल एक सुझाव दो तीन दे रहा हूँ। हमने सुझाव दिया, मुख्यमंत्री जी ने वो भाषण दिया कि कान एकदम फट गए सब। ये सरकार विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाहती है, और जब विपक्ष NRC NRP और CAA के जो खिलाफ लोगों ने शांति प्रदर्शन धरना दिया और जो दमन चक्र चला है जेल में और बंद और लाठी और गोली, उसकी बात जब हम उठाए तो तुरंत बोरिया समेट के भग चले विधानसभा छोड़ करके। 19 को भी जब मैंने उठाया तो तुरंत भग चले, न 19 को 20 तक होना था सदन। ये सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई है, कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट जारी किया है कि दुनिया में महिलाएं लड़कियों के छेड़खानी बलात्कार अपहरण और बलात्कार के बाद फूंक देने की घटना, दुनिया में उत्तर प्रदेश का स्थान 1 नंबर हो गया है, भारत 5वां पर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है।